चेतन ही जब भौतिक रूप से होता है तो ये प्रकाश को धारण करता है। ये प्रकाश नेत्रों का विषय है, वो ज्ञान बुद्धि का विषय है, बुद्धि से जानते हैं। और बुद्धि में ज्ञान जो आता है वो मूल ज्ञान है, और वो बुद्धि में आता है, फिर नेत्रों में आता है प्रकाश, प्रकाश रूप से स्थूल होता है। तो ये प्रकाश है जो का है, ऐसे ही जितनी बातें सुनते हो, समझते हो, जानते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, सब जानने के अंतर्गत ही हुई है। जैसे संपूर्ण संसार की स्थिति सत्ता के अंतर्गत हुई, ऐसे ही जितना पढ़ना सुनना सीखना ज्ञान के जानने के अंतर्गत ही हुआ। न्याय पढ़ो, सांख्य पढ़ो, योग पढ़ो, वेदांत पढ़ो, पूर्व मीमांसा पढ़ो, उत्तर मीमांसा पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जानना तो जानने के सिवाय क्या है।